हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम इस हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन यानी कि 3 दिसंबर 2021 को होने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि ब्रॉक लेसनर इस हफ्ते रिटर्न आ रहे हैं, इसलिए इस हफ्ते के स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो पिछले हफ्ते ड्रू मैकइंटायर और जेफ हार्डी ने टीम अप करके मैडकैप मॉस और हैप्पी कॉर्बिन की टीम को हरा दिया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ड्रू मैकइंटायर का फ्यूड हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस के साथ खत्म हुआ है। इसलिए आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्रू मैकइंटायर का मैच एक बार फिर से हैप्पी कॉर्बिन या फिर मैडकैप मॉस के साथ फैंस को देखने मिल सकता है। और अगर ड्रू मैकइंटायर ने मैडकैप मॉस को फेस किया तो फिर जेफ हार्डी का मैच हैप्पी कॉर्बिन के साथ फैंस को देखने मिलेगा। तो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन शार्लेट फ्लेयर ये बता रही थी कि सर्वाइवर सीरीज में बेकी लिंच ने चीटिंग करके उन्हें हराया है। तब शार्लेट फ्लेयर को इंटरप्ट किया टोनी स्टॉर्म ने और उन्होंने एक बार फिर से शार्लेट से चैंपियनशिप का मैच मांगा, लेकिन शार्लेट ने एक बार फिर से मना कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पाई उठाकर टोनी स्टॉर्म के फेस पे मार दिया। और इसलिए टोनी स्टॉर्म ने बैकस्टेज में इंटरव्यू देते हुए बोला है कि शार्लेट फ्लेयर उनसे डर गई हैं, इसलिए उन्होंने टोनी स्टॉर्म को एम्बैरेस किया है पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में। और टोनी स्टॉर्म ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो शार्लेट को हराकर स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप जीत लेंगी। तो हो सकता है कल इन दोनों का मैच कंफर्म हो जाए डे वन पेपरव्यू के लिए। तो लास्ट वीक स्मैकडाउन में जब एंजल गाजा और रिक का मैच हो रहा था, तब हम्बर्टो कारिलो ने इस मैच में रिक को डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें ये मैच हरवा दिया और एंजल गाजा इस मैच में रिक को हराकर जीत गए। इसलिए आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हम्बर्टो कारिलो का मैच रिक के साथ फैंस को देखने मिल सकता है। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हैप्पी कॉर्बिन ने कंटेंडरशिप मैच जीता था शिंस्के नाकामुरा से, लेकिन उन्होंने शिंस्के से अभी तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में फाइट नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि कॉर्बिन को उनका चैंपियनशिप मैच कब मिलता है। तो शेमस और रिज हॉलैंड की राइवलरी सिजारो के साथ शुरू हो गई है और सिजारो ने पिछले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिज हॉलैंड को सिंगल्स मैच में हरा दिया था, लेकिन सिजारो ने ये बात बोल दी है कि उनकी दुश्मनी शेमस के साथ अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए फैंस को आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सिजारो का मैच शेमस के साथ देखने मिल सकता है। तो लास्ट वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब रोमन रेक्स की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर डिसाइड करने के लिए बैटल रॉयल हुआ, तो उस बैटल रॉयल में सैमी जेन जीत गए और वो काफी खुश हो गए थे। और जब कायला ब्रैक्सन उनका इंटरव्यू लेने आई तो सैमी जेन खुशी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही कायला ने सैमी जेन के साथ साथ फैंस को भी ये न्यूज दी कि ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खत्म कर दिया है और अब ब्रॉक लेसनर अगले ही हफ्ते यानी कि इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रिटर्न आ रहे हैं। और ये सुनकर सैमी जेन तो अपसेट थे ही, लेकिन उनसे ज्यादा अपसेट एडम पियर्स और पॉल हेमन हो गए थे। और अब आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं और एडम पियर्स भी काफी टेंशन में है क्योंकि उन्होंने ही सस्पेंड किया था ब्रॉक लेसनर को। इसके साथ सैमी जेन भी चिंता में है क्योंकि फिलहाल वो नंबर वन कंटेंडर हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए। इसलिए सैमी जेन को भी कहीं ना कहीं डर है कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए तो फिर उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच मिलेगा या नहीं। और जैसा हम सब जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस को फिर से चैलेंज करने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए, लेकिन अगर ब्रॉक ने आने के बाद फिर से तोड़फोड़ मचा दी तो इस आने वाले स्मैकडाउन में भारी गड़बड़ हो सकती है। वैसे आप लोग रोमन और ब्रॉक लेसनर मैच में इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो, द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को या फिर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।